गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर वन मैथ्स में फंक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है। अब फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच ईच इनपुट हैज अ ओनली वन आउटपुट। मतलब फंक्शन जो है एक रिलेशन है जिसमें प्रत्येक इनपुट के सापेक्ष एक और केवल एक आउटपुट हो। तो हम यहां देखते हैं कि हम यहां पर डोमेन लेके चलते हैं और एक यहां पर कोडोमेन या रेंज लेके चलते हैं। यदि यहां पर यदि हमने दो एक एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स बराबर वर्गमूल एक्स, यह एग्जांपल लेके चलते हैं। तो हम चेक करते हैं यह डोमेन है और यह रेंज है। तो हम इसको एक चेक करते हैं कि एफ फोर इक्वल टू कितना हो जाएगा, बरमूल फोर, और बरमूल फोर कितना होता है, प्लस माइनस टू। तो हम यहां चेक करते हैं कि एफ यहां फोर ही है, इसकी इमेजेस क्या कौन कौन सी होगी, एक प्लस टू होगी और दूसरा माइनस टू होगी। यानी इनपुट एक दिया हुआ है और लेकिन उसकी इमेज दो है, इसलिए यह फंक्शन नहीं है। एक इनपुट की दो इमेज नहीं हो सकती है। तो यह जो है एफ जो है फलन नहीं है, एफ इज नॉट अ फंक्शन, यह फंक्शन नहीं है। तो ध्यान रखना कि इनपुट अगर एक है और उसके प्रतिबिंब दो आ रहे हो तो उसका वह फलन नहीं होगा। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि अगर इनपुट दो है उसकी इमेज एक हो सकती है, लेकिन एक इनपुट की दो इमेज नहीं हो सकती। इन दोनों में अंतर समझना, ठीक है? ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं फलन के, हमने आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वन 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 मैपिंग। वन वन मैपिंग कैसे कहते हैं कि इनपुट का एक अगर अवयव लेके चलते हैं तो उसकी इमेज भी सिंगल ही हो। इसका मतलब क्या होता है, जैसे उदाहरण के तौर पे हमने यहां पर x y z लिया, तो x की इमेज क्या है a, y की इमेज क्या है b, और z की इमेज क्या है c। तो हम देखते हैं कि इनपुट तीन अवयव हैं और उनके प्रतिबिंब भी एक और केवल एक अवयव है। इसमें एक दो अवयवों का एक दूसरे से सिंगल इमेज नहीं हो रही है, या दो इनपुट कोई एक इमेज नहीं हो रही है। तो इसको ध्यान रखिए, यानी प्रत्येक इनपुट के अवयव का एक और केवल एक आउटपुट हो, तो उसको हम एक ही फलन कहते हैं। तो इसको मैथमेटिकल कैसे सिद्ध करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए हमको यह यूज करना पड़ेगा कि यदि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेके चलें और दिखा दें एक्स वन बराबर एक्स टू, तो अगर ये कंडीशन को फलन संतुष्ट करता है तो वह फलन क्या कहलाएगा, एक एक फलन कहलाता है। इसके लिए हम उदाहरण देखते हैं, एफ एक्स बराबर थ्री एक्स ले लीजिए। तो हम इसको ये जो मेथड बताइए उसको यूज करेंगे, यदि एफ एक्स वन इक्वल एफ एक्स टू तो कितना हो जाएगा, एफ एक्स वन बराबर कितना होता है थ्री एक्स वन, और एफ एक्स टू कितना हो जाएगा थ्री एक्स टू। थ्री और थ्री कैंसिल हो गया, कितना आ गया एक्स वन बराबर एक्स टू। तो यहाँ पर यह जो फलन जो है एक एक फलन है, हेंस एफ इज वन वन। वन वन को हम हिंदी में एक एक फलन भी बोलते हैं, एक एक फलन। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। हम आते हैं
मेन इवन फंक्शन, मेनी फंक्शन को क्या बोलते हैं, बहु एक फलन। तो बहु एक फलन के लिए मतलब जो फलन एक एक नहीं है, वन टू वन नहीं है, वो बहु एक होंगे। ठीक है, उसके लिए हम एक उदाहरण लेके चलते हैं, उदाहरण के तौर पे कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, तो हम ये देखते हैं कि एफ वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन स्क्वायर इक्वल वन, और एफ माइनस वन लेके चलते हैं तो माइनस वन का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन। तो हम यहाँ देखते हैं कि इनपुट में दो वैल्यू है, वन और माइनस वन, इनकी इमेज जो है एक ही होगी, वन। इसी प्रकार से टू एंड माइनस टू, इनकी इमेजेस क्या हो जाएंगी, फोर। तो चूंकि एक इनपुट का एक आउटपुट नहीं है, दो इनपुट के एक आउटपुट है, तो यह फलन जो है एक एक ना होगा के बहु एक होगा। तो इस तरह से और भी उदाहरण है, तो हम इनको चेक कर सकते हैं, हम आगे एक्सरसाइज में और भी उदाहरण कराएंगे। अब हम आते हैं, अब हम अगला फंक्शन आंटू के बारे में अध्ययन करेंगे। आंटू फंक्शन किसे कहते हैं, तो हम यहाँ जरा बच्चों देखो, हमने दो चित्र बनाए हैं, ये इसमें ये डोमेन है और ये रेंज है, और इसमें भी एक डोमेन है और एक रेंज है। इन दोनों चित्र में अंतर देखेंगे, हम यहाँ देखते हैं कि एक्स वाई जेड की इमेज क्या है, ए बी सी। यहाँ पर कोई भी अतिरिक्त अवयव नहीं छूट रहा है, लेकिन इस चित्र में देखते हैं कि एक्स वाई जेड की इमेजेस क्या है, ए बी सी, लेकिन डी जो एक अवयव छूट रहा है वो इनपुट के किसी भी फंक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो यदि कोडोमेन या रेंज में कोई अवयव ऐसा छूट रहा है जो इनपुट से रिलेटेड नहीं है, तो अवयव छूट रहा है इसलिए ये आच्छादक नहीं है, ये आच्छादक नहीं है, और यह इसमें अवयव नहीं छूट रहे हैं इसलिए यह आच्छादक है। अच्छा था, क्या है आंटू मैपिंग, और अच्छा तक नहीं है उसके लिए क्या बोलेंगे, इनटू मैपिंग। दोनों में अंतर समझ लीजिए। तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे दिखाते हैं, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यदि वाई बिलोंग्स टू बी, तो यहां देखो हम पहले सबसे पहले एक डिफाइन करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन किया है, एक फंक्शन ए टू बी में डिफाइंड है, तो ए से बी, इसको यदि हम ए बोल देते हैं और यदि इसको हम बी बोल देते हैं, ए क्या है, डोमेन है, और बी जो है कोडोमेन या रेंज है। तो हमने क्या करा, यदि वाई जो है कोडोमेन या रेंज का अवयव लेके चले, तो एक अवयव एक्स बिलोंग्स टू ए किसमें, डोमेन में का अस्तित्व इस प्रकार है कि एफ एक्स बराबर वाई, और वाई किसका अवयव है, बी का। इसका मतलब ये होता है कि हम रेंज का प्रत्येक कोई भी अवयव लेके चल रहे हैं, तो उसके सापेक्ष डोमेन में जरूर एक अवयव का अस्तित्व होगा जो कि उसका प्रतिबिंब होगा, यानी इसके सारे अवयव जो है किसी न किसी डोमेन के अवयव से रिलेटेड होना चाहिए, तभी ऑन इनटू होगा, और यदि वो रिलेटेड नहीं है तो वो इनटू मैपिंग होगा। दोनों में अंतर समझ आ गया, दोनों चित्र से अंतर देखो, यहाँ पर एक अवयव छूट रहा है, यहाँ पर कोई अवयव नहीं छूट रहा है, इसको क्रॉस को हटा दो चाहो तो कंफ्यूजन के हटाने के लिए। तो यहाँ इस चित्र में देखेंगे, यहाँ पर डी जो है एक अवयव छूट रहा है और यहाँ पर कोई भी अवयव नहीं छूट रहा, तो अगर अगर अवयव छूट रहा है तो इनटू मैपिंग, और यदि इसमें सारे अवयव डोमेन से रिलेटेड हो तो वो ऑन टू मैपिंग। दोनों में अंतर समझ गए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर,
बाइनरी ऑपरेशन द्विचर संक्रिया। सबसे पहले हम द्विचर संक्रिया को बहुत ही सरल तरीके से समझना चाहेंगे कि द्विचर संक्रिया होती क्या है। एक हम बहुत सिंपल एग्जांपल दिखाते हैं कि मान लो हमने एक समुच्चय लिया, इसमें अवयव है 1, 2, 3, 10। अब यदि हम इसके कोई दो अवयव लेके चले, जैसे हमने 2 और 3 लेकर चलते हैं, वो किसका अवयव है? ए के। तो यदि हमने इन दोनों को ऐड किया कितना आ गया? 5। वो किस में है? ए में। अब यदि हम 9 और 8 लेके चलते हैं, तो 9 8 कितना हो गया? 17। और 17 जो है ए में नहीं है। तो यदि हमने एक समुच्चय के दो अवयव लेके चल रहे, और यदि इन दोनों को बीच में एक हमने ऑपरेशन यूज किया, और ऑपरेट करने के बाद यह जो वैल्यू मिली है वो यदि वो सब समुच्चय में नहीं है, तो ऐसे संक्रिया जो है वो द्विचर संक्रिया नहीं होगी। इसीलिए ए जो है समुच्चय प्लस के सापेक्ष बाइनरी नहीं है। तो हम कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें बाइनरी हो। यदि हम आई लेते हैं, धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो इसके दो अवयव लेके चले, कोई भी दो अवयव लेके चलते हैं ए और बी, हमने किसके लिए? आई के। यदि हम दोनों को ऑपरेट करते हैं प्लस के सापेक्ष, तो प्लस के सापेक्ष ऑपरेट करने पर जो भी अवयव मिलेगा वो पूर्णांक होगा, धन पूर्णांक। इसीलिए आई जो है पूर्णांक के साथ धन के सापेक्ष प्लस के सापेक्ष हमेशा द्विचर संक्रिया है। अब हम माइनस के लिए उपयोग करते हैं। यदि हमने ए और बी आई के अवयव लेके चले, और ए माइनस बी, अब ये बताइए ए माइनस बी पूर्णांक होगा? पूर्णांक तो होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि धन पूर्णांक हो। एग्जाम्पल देखो जरा, यदि हमने 3 लिया और बी ले लिया 5, कितना आ गया? ऋण 2। अब ऋण 2 धन पूर्णांक नहीं है, और यह जो है आई का अवयव नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि आई जो है धन पूर्णांकों का समुच्चय है, उसमें संक्रिय प्लस धन यह जो है बाइनरी ऑपरेशन है, और जो माइनस है वो संक्रिय जो है वो बाइनरी नहीं है। तो यह अगर ये नियम जो है यदि प्रत्येक अवयव में लागू हो रहा है तभी बाइनरी होगा, और यदि किसी भी दो अवयवों के लिए सक्सेसफुल नहीं है तो बाइनरी नहीं होगा। तो सभी अवयवों में होना जरूरी है। तो समझ गए बच्चों, यदि हमने कोई भी एक समुच्चय लिया है और कोई भी संक्रिया लेके चल रहे हैं, चाहे प्लस लें चाहे माइनस लें चाहे डिवीजन लें, यदि वो संक्रिया के सापेक्ष सभी अवयवों में ऑपरेट करने के बाद उस समुच्चय का अवयव मिल रहा हो तो वो है संक्रिया बाइनरी होगी। अब हम एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि जैसे हमने पूर्णांक आई का लेके चल रहे थे, यदि हमने भाग का लिया कि ए भाग डिवीजन बी, तो अगर हमने इसको देखते हैं कि अगर ए हमने 3 ले लिया और बी डिवीजन ले लिया 5, तो हम ये देखते हैं 3/5 जो है वो पूर्णांक नहीं है, इसलिए बिलोंग